Hello children, in this video you will get to know how we can write, read and append data in a binary file. So what is binary file? Binary files kya hoti hai? Binary file stores the information in the form of a stream of bytes. Ye humne pehle bhi kiya tha. Binary files kaun si files hoti hai? Jo binary form mein information ko store karti hai. Okay, in the form of zeros and ones, right? Okay, 8 bit join hoke kya banta hai? 1 byte. To ye kya hai? Stream of bytes. Number of bytes joined together to create the binary files, right? Binary files represent the actual content such as image, audio, video, compressed versions of other files, executable files, etc. तो binary files किस type की files होती है जो एक actual data represent करती है, like आपकी image files, audio files, video files, ये कौन सी files होती हैं? ये binary files होती हैं, okay? इसके अंदर इमेज फाइल का जो इंटरनल डेटा होगा वो जो इमेज होगी वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर होगी. आपका ऑडियो का किस फॉर्म में स्टोर होगा? इंटरनली इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स 0 एंड 1, राइट. सेम आपकी वीडियोस किस फॉर्म में स्टोर होती है? बाइनरी फॉर्म में. आपकी एप्लीकेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, एप्लीकेशन फाइल्स होती हैं, राइट. अलग अलग एप्लीकेशंस की फाइल्स होती हैं, जैसे फोटोशॉप की फाइल हुई, वो किस फॉर्म में स्टोर होगी? इंटरनली इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, ओके, और यू कैन से बाइनरी फॉर्म, राइट. दीज फाइल्स आर नॉट ह्यूमन रीडेबल. आप इन फाइल्स को रीड नहीं कर सकते हो, राइट. आप क्या इमेज फाइल को रीड कर सकते हो? ऑडियो या वीडियो फाइल को रीड कर सकते हो? नहीं. तो आप इन फाइल्स को रीड नहीं कर सकते हो. दस ट्राइंग टू ओपन अ बाइनरी फाइल यूजिंग अ टेक्स्ट एडिटर विल शो सम गार्बेज वैल्यू. अगर आप इन ऐसी फाइल्स को, बाइनरी फाइल्स को टेक्स्ट एडिटर की हेल्प से ओपन करने की कोशिश करोगे तो क्या शो करेगा? आपको गार्बेज वैल्यू शो करेगा, ओके. वी नीड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू रीड और राइट द कंटेंट ऑफ अ बाइनरी फाइल. आपको एक हर फाइल को रीड करने के लिए, जैसे इमेज है, इमेज के लिए आपको क्या चाहिए? फोटो एडिटर या जो भी है एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन चाहिए. ऑडियो एंड वीडियो के लिए आपको VLC मीडिया प्लेयर चाहिए. तो इनके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, ओके, जिसकी हेल्प से आप इनको कंटेंट को, आप इसके कंटेंट को आप देख सकते हो, राइट. वी नीड स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टू रीड और राइट द कंटेंट ऑफ अ बाइनरी फाइल, ओके. इन बाइनरी फाइल देयर इज नो डिलिमिटर फॉर अ लाइन. अब बाइनरी फाइल के अंदर क्या है? कोई भी एंड ऑफ लाइन के लिए कोई भी डिलिमिटर यूज नहीं किया जाता, जैसे आपकी टेक्स्ट फाइल में यूज किया जाता है, ओके. नो ट्रांसलेशन अकर इन बाइनरी फाइल बिकॉज इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन द सेम फॉर्मेट इन विद द इन्फॉर्मेशन इज हेल्ड इन द मेमरी. और बाइनरी फाइल क्या होती है? किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है? बाइनरी फॉर्म में स्टोर करती है. तो यहाँ पे ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, राइट. ट्रांसलेशन कब होता है? जब आप उसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो, जो टेक्स्ट फाइल के केस में होता है, राइट. तो बाइनरी फाइल के लिए ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओके. मैं इसको अभी एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. ये आपके पास एक इमेज है, ओके. हम इसको ओपन करते हैं, ओपन विद फोटोज, ठीक है. तो ये एप्लीकेशन है जिसके अंदर ये ओपन हो रही है, फोटोज के अंदर. ये देखो आपके पास आ गई है. अगर आप इसको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करने की कोशिश करोगे, राइट, तो जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर में इसको मैंने ओपन कर दिया, लाइक मैंने इसको ओपन कर दिया नोटपैड में, ओके. तो क्या ये शो करेगा? ये आपको गार्बेज वैल्यू शो करेगा. देखो गार्बेज वैल्यू आ गई है, राइट, ओके. अब हम देखेंगे कि आप बाइनरी फाइल में कैसे डेटा को राइट करोगे एंड कैसे डेटा को रीड करोगे, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस है, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, राइट. अब इसको समझते हैं. वी नो डेट पाइथन कंसीडर्स एवरीथिंग एज एन ऑब्जेक्ट, ओके. पाइथन के अंदर हर चीज को क्या कंसिडर किया जाता है? ऑब्जेक्ट माना जाता है. सो ऑल डेटा टाइप्स इंक्लूडिंग लिस्ट, टपल, डिक्शनरी एक्सेट्रा आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट. तो जो भी आप डेटा टाइप्स भी यूज करते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल है लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, वो उन सबको भी क्या कंसिडर किया जाता है? ऑब्जेक्ट, राइट. सिंस ऑब्जेक्ट हैव सम स्ट्रक्चर और हायरार्की एसोसिएटेड, इट इज इंपॉर्टेंट दैट दे आर स्टोर्ड इन अ वे सो दैट देयर स्ट्रक्चर हायरार्की इज मेंटेन. तो एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक आइडेंटिटी होती है, एक एंटिटी होती है, राइट. तो उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है, कोई ना कोई हायरार्की होती है उसकी. तो यहाँ पे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम स्ट्रक्चर को, मतलब ऑब्जेक्ट को इस तरीके से सेव करें मेमोरी के अंदर कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहे. समझ आया? पाइथन में हर चीज को ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, ओके. और जो ऑब्जेक्ट होता है उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, राइट. एक पर्टिकुलर
तो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए आपको इस तरीके से उस ऑब्जेक्ट को सेव करना है मेमोरी के अंदर कि उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, राइट। अब देखो पिकलिंग क्या होता है। पिकलिंग क्या है? पिकलिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पाइथन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइट स्ट्रीम। पिकलिंग वो प्रोसेस होता है जहां पे पाइथन ऑब्जेक्ट को, पाइथन ऑब्जेक्ट क्या है आपका, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ओके, तो पाइथन ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर दिया जाता है बाइट स्ट्रीम में। बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके उसको बाइनरी फाइल के फॉर्म में सेव कर दिया जाता है, ओके। पिकलिंग इज द प्रोसेस वेयर बाय अ पाइथन ऑब्जेक्ट इज कन्वर्टेड इनटू अ बाइट स्ट्रीम। समझ आया? पिकलिंग कौन सा प्रोसेस है जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट को, लाइक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, इसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एज अ बाइनरी फाइल सेव कर दिया जाएगा, ओके। दीज बाइट स्ट्रीम्स इन अ बाइनरी फाइल कैन देन बी स्टोर्ड इन अ डिस्क। और अब ये जो बाइट स्ट्रीम है किस बाइनरी फाइल के अंदर, उसको आप कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो, डिस्क के अंदर स्टोर कर सकते हो, आप डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हो, या फिर आप उसको नेटवर्क के थ्रू कहीं और भी सेंड कर सकते हो, ओके। पिकलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीरियलाइजेशन। पिकलिंग को हम सीरियलाइजेशन भी कहते हैं। तो पिकलिंग क्या है? सिंपली पिकलिंग है कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर रहे हो किस फॉर्म में, बाइट की फॉर्म में, ओके। देन नेक्स्ट वी हैव अनपिकलिंग। अनपिकलिंग क्या है? इज द इनवर्स ऑफ पिकलिंग प्रोसेस वेयर अ बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू पाइथन ऑब्जेक्ट। अनपिकलिंग क्या है? जहां पे आप क्या कर रहे हो, जो आपने ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया था उसको आप अगेन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। अनपिकलिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीसीरियलाइजेशन। समझ आया? पिकलिंग क्या है? जहां पे आप पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हो, ओके, इन ऑर्डर टू राइट इट इन अ बाइनरी फाइल। आप क्यों कन्वर्ट करो पाइथन ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में? जिससे कि आप उसे बाइनरी फाइल के अंदर राइट कर सको, ओके, उसे स्टोर कर सको बाइनरी फाइल के अंदर, ओके, और इस प्रोसेस को सीरियलाइजेशन कहते हैं, राइट। अब अनपिकलिंग क्या है? अनपिकलिंग क्या है आपका? बाइट स्ट्रीम अगेन कन्वर्ट हो जाए पाइथन ऑब्जेक्ट में, लिस्ट में, टपल में, जिससे कि आप उसको आराम से रीड कर सको, राइट, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीसीरियलाइजेशन, ओके। अब जो पिकलिंग का जो प्रोसेस है वो किसकी हेल्प से होता है? वो पिकल मॉड्यूल की हेल्प से होता है, राइट। टू सेव एनी ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर अलोंग विद डेटा पाइथन प्रोवाइड्स अ मॉड्यूल कॉल्ड पिकल। तो पाइथन हमें क्या प्रोवाइड करता है? एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है जिसका नाम है पिकल, राइट। अ पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियल। अब मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। मॉड्यूल क्या होता है? आप बोल सकते हो कलेक्शन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का, राइट। तो पाइथन हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है? पिकल मॉड्यूल, ओके, किस लिए? जिससे कि हम पिकलिंग का प्रोसेस कर सकें। पिकलिंग का प्रोसेस मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके बाइनरी फाइल के अंदर स्टोर कर सकें, ओके, या फिर आप कह सकते हो ऑब्जेक्ट को बाइनरी फाइल के अंदर राइट कर सकें, राइट, ओके। द पिकल मॉड्यूल इज यूज्ड फॉर सीरियलाइजिंग एंड डीसीरियलाइजिंग एनी पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमें पाइथन ने पिकल मॉड्यूल प्रोवाइड किया है जिससे हम पिकलिंग कर सकते हैं, ओके, राइट, ओके। नाउ हियर वी हैव टू मेथड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पिकल मॉड्यूल हमें दो मेथड्स प्रोवाइड करता है, डंप एंड लोड, टू वर्क विद बाइनरी फाइल्स फॉर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, ठीक है। पिकलिंग करने के लिए मतलब डेटा को राइट करने के लिए, और अनपिकलिंग मींस डेटा को रीड करने के लिए पिकल मॉड्यूल आपको दो मेथड्स प्रोवाइड करता है। एक है डंप मेथड और डंप फंक्शन, एंड सेकेंड है लोड फंक्शन, ठीक है। द पिकल मॉड्यूल मस्ट बी इम्पोर्टेड टू लोड एंड डंप डेटा। पिकल आपको अगर अपनी फाइल में पिकलिंग करनी है या अनपिकलिंग करनी है, इसके लिए आपको पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करोगे तो आप उसके फंक्शन को कैसे यूज कर पाओगे? उसका डंप और लोड फंक्शन को यूज करने के लिए आपको पिकल मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ेगा? इम्पोर्ट करना पड़ेगा, राइट, ओके। अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे, राइट। नाउ पहले डंप फंक्शन देख लेते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू राइट एन ऑब्जेक्ट ऑन टू अ बाइनरी फाइल ओपन इन द राइट मोड, और इस प्रोसेस को पिकलिंग कहा जाता है। पिकलिंग क्या है? डेटा को मतलब ऑब्जेक्ट को राइट करना बाइनरी फाइल के अंदर, ठीक है। पिकलिंग का प्रोसेस क्या है? आप जब ऑब्जेक्ट को राइट करते हो बाइनरी फॉर्म में बाइनरी फाइल के अंदर, राइट।
द फाइल इन विच डेटा आर टू बी डम्प्ड नीड्स टू बी ओपन्ड इन द बाइनरी मोड. जिस फाइल के अंदर आप क्या करना चाहते हो, डेटा को डंप करना चाहते हो, डंप्ड मींस राइट करना चाहते हो, उसको वहां पे स्टोर करना चाहते हो, तो आपको उस पर्टिकुलर बाइनरी फाइल को पहले ओपन कर लेना है. किस मोड में? राइट मोड में. क्योंकि यहाँ पे आप क्या करना चाहते हो, डेटा को और यू कैन सी ऑब्जेक्ट को डंप करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो बाइनरी फाइल में. ओके, सिंटेक्स क्या है इसका? पिकल डॉट डंप, क्योंकि ये डंप किसका फंक्शन है? पिकल मॉड्यूल का. पिकल डॉट डंप ऑब्जेक्ट टू बी रिटर्न, जो भी ऑब्जेक्ट आप लिखना मतलब राइट करना चाहते हो, लिस्ट, अपर, डिक्शनरी, व्हाटएवर. ओके, एंड फाइल हैंडल ऑफ द ओपन फाइल. ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? उस पर्टिकुलर फाइल का फाइल हैंडल जिससे वो फाइल लिंक है. ओके, अब इसको प्रैक्टिकली करेंगे. ओके, अब हम यहाँ पे पहले कमेंट देते हैं, राइट इन अ बाइनरी फाइल. ओके, राइट इन अ बाइनरी फाइल, राइट इन अ बाइनरी फाइल. सबसे पहले आप क्या करोगे? इंपोर्ट करोगे पिकल को. इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल, राइट. अब मैं क्या लेती हूँ, मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेती हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, लिस्ट ले लिया. ठीक है, लिस्ट में मैंने ले लिया, सिंपल सा प्रोग्राम बना के दिखा रही हूँ. वन देन रोहन. ओके, यहाँ पे आप ले लो मेल एंड आप एज ले लो 28. ओके, एक आपने सिंपल सी लिस्ट क्रिएट की, राइट. अब यहाँ पे मेरा फाइल हैंडल है एफ और मैं ओपन कर रही हूँ फाइल अपनी. जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, कोई भी आप नेम दे दो. जैसे आपने इस फाइल का नेम दे दिया, क्या दोगे आप इसका नेम? माइन दे दो, कुछ भी दे दो, व्हाटएवर. डॉट डेट. किस मोड में ओपन करोगे इसको आप? राइट मोड में. और कौन सी फाइल है? बाइनरी फाइल. ओके, नाउ आपने फाइल को ओपन करा लिया. अगर ये फाइल क्रिएट नहीं है तो ये क्रिएट हो जाएगी, राइट. और किस फॉर्म में आपने इसको ओपन कराया है? आपने इसको राइट मोड में ओपन कराया है, सो डेट यू कैन राइट योर डेटा इन दिस बाइनरी फाइल. अब आप क्या करोगे? पिकल डॉट, हमें क्या करना है? डेटा को इसके अंदर डंप कराना है. डंप मतलब लिखना है, तो पिकल डॉट डंप लिस्ट और यहाँ पे आपका आ गया फाइल हैंडल. ओके, देन एफ डॉट क्लोज, आपने फाइल को क्लोज कर दिया. समझ आया? सबसे पहले इंपोर्ट किया पिकल मॉड्यूल को, फिर आपने कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, पाइथन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे मैंने लिस्ट ले लिया है, राइट. फिर मैंने यहाँ पे फाइल को ओपन कराया है, बाइनरी फाइल को. किस मोड में? राइट मोड में. ओके, ये एफ क्या है? हमारा फाइल हैंडल है. अब क्या करना है? लिस्ट को माइन डॉट, जो माइन डॉट डेट फाइल है, ओके, उसके अंदर हमें क्या करना है? उसको राइट करना है, डंप करना है. तो हम इसको यहाँ पे पास कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को डंप फंक्शन के अंदर पास कर दिया एंड फाइल हैंडल को पास कर दिया, राइट, एंड एफ डॉट क्लोज. ओके, अब हम देखेंगे कि जो डेटा हमने राइट कराया है उसको हम रीड कैसे कर सकते हैं. ओके, तो उसके लिए रीड करने के लिए हमारे पास है लोड मेथड, राइट. हमने राइट तो करा दिया, मतलब डंप तो करा दिया, अब उसको क्या करना है? उसको रीड करना है. उसके लिए कौन सा फंक्शन है आपके पास? लोड फंक्शन, ठीक है. दिस मेथड इज यूज टू लोड और अनपिकलिंग डेटा फ्रॉम अ बाइनरी फाइल. इसका किस लिए यूज किया जाता है? सो डेट जो बाइनरी डेटा आपने स्टोर कराया है वो आपको मिले. किस फॉर्म में मिले? ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में मिले. ओके, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मिले. अभी आपने क्या कराया? उसको डंप कराया. किस फॉर्म में? बाइनरी फॉर्म में, मींस बाइट्स की फॉर्म में. ओके, अब लेकिन जब आप उसको देखो, जब आप उसको रीड करो, तो किस फॉर्म में रीड करो? आप उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में रीड करो, ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में रीड करो. तो यहाँ पे उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा? लोड फंक्शन. ओके, बाइट स्ट्रीम इज कन्वर्टेड बैक टू ऑब्जेक्ट सो डेट वी कैन रीड इट. तो लोड फंक्शन की हेल्प से क्या होता है? आप उस डेटा को रीड कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा? लोड फंक्शन कन्वर्ट कर देगा अगेन बाइट को इंटू ऑब्जेक्ट. ओके, द फाइल टू बी लोडेड इज ओपन इन द बाइनरी रीड मोड. अब आप फाइल को किस मोड में ओपन करोगे? बाइनरी रीड मोड में.
ओके यहाँ पे सिंटेक्स क्या है, स्टोर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड फाइल हैंडल, राइट। अब देखो पिकल डॉट लोड, पिकल मॉड्यूल का लोड फंक्शन है जिसके अंदर आप उस पर्टिकुलर फाइल का फाइल हैंडल पास करोगे, फाइन ओके। एंड जो आपका डेटा यहाँ से रीड होगा वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएबल में, फाइन। तो देखो हियर द पिकल्ड पाइथन ऑब्जेक्ट इज लोडेड फ्रॉम द फाइल हैविंग अ फाइल हैंडल नेम फाइल हैंडल, मतलब इस फाइल हैंड जो ये फाइल हैंडल है वो क्या है, उस पर्टिकुलर फाइल का हैंडल है जहां से आप डेटा को रीड कर रहे हो, ओके। एंड इज स्टोर्ड इन अ न्यू फाइल हैंडल कॉल्ड स्टोर ऑब्जेक्ट, और ये डेटा कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, एक न्यू फाइल हैंडल में जाके स्टोर हो जाएगा जिसका नेम क्या है, स्टोर ऑब्जेक्ट, ओके। इसको प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको समझ आएगा, ओके। अब मैं यहाँ पे हमने देख लिया कि रीड के लिए क्या होता है, लोड फंक्शन का यूज होता है। अब यहाँ पे हम रीड कर लेंगे, रीड डेटा फ्रॉम बाइनरी फाइल, ओके। अब हमारे पास क्या है, अब इसको हम क्या करते हैं, फाइल को अपने को ओपन करते हैं, ओपन राइट। आपकी फाइल का नेम क्या है, माइन डॉट डेट, डेट क्या है, डेटा फाइल है जो बाइनरी डेटा को स्टोर करती है, ओके। अब इसको हमें किस मोड में ओपन करना है, हमें इसे रीड मोड में ओपन करना है, आरबी मींस रीड मोड, किसका रीड मोड, बाइनरी फाइल का रीड मोड, ओके। नाउ अब आप इसको फाइल हैंडल, अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो हमने ले लिया एलएसटी जो हमारा डेटा स्टोर करेगा। आप क्या करेंगे, पिकल डॉट लोड, क्योंकि यहाँ पे हमें रीड करना है, कौन सी फाइल से रीड करना है उसका फाइल हैंडल आपने दे दिया एफ, राइट ओके। तो ये क्या है, रीड फ्रॉम फाइल ओपन्ड विद द फाइल हैंडल एफ, ओके राइट। एंड स्टोर द रीड डेटा इन द ऑब्जेक्ट, कहाँ पे जाके स्टोर होगा, जो आप रीड करोगे डेटा इस ऑब्जेक्ट में, ओके okay? Now, अब आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो जो भी डेटा आपका आएगा एलएसटी के अंदर, उसको प्रिंट करा दो और उसके बाद आप कर दो फाइल को क्लोज, फाइन। अब एक बार फिर से इसको समझ लो, फिर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने क्या किया, बाइनरी फाइल में डेटा को राइट किया, ओके आपने इंपोर्ट किया पिकल मॉड्यूल को, राइट। हमने एक पाइथन का ऑब्जेक्ट लिया लिस्ट, उसमें डेटा दे दिया है, राइट। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, बाइनरी फाइल को ओपन किया है, अगर बाइनरी फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो उस नेम से क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने माइन डॉट डेट फाइल ली है, उसको किस मोड में ओपन किया है, राइट मोड में, क्योंकि हमें इसमें डेटा राइट कराना है, ओके। और डेटा राइट कराने के लिए पिकल मॉड्यूल का डम फंक्शन यूज होता है, राइट। आपने इसके अंदर जो भी डेटा राइट कराना है उसको पास कर दिया और फाइल हैंडल पास कर दिया, राइट। एंड देन आपने फाइल को क्लोज कर दिया, एफ डॉट क्लोज, ये हमारा रिटर्न प्रोसेस हो गया। इतना आपका क्या हुआ, डेटा राइट हो गया है। अब उस डेटा को हमें रीड करना है, फाइन। रीड करने के लिए आपने क्या किया, ओपन किया फाइल को, किस मोड में, रीड मोड में, ओके। एंड देन आपने क्या दिया, पिकल मॉड्यूल का लोड फंक्शन यूज किया जिसके अंदर आपने फाइल हैंडल को पास करा दिया। अब जो भी डेटा इस फाइल हैंडल की हेल्प से रीड होगा वो कहाँ चला जाएगा, एलएसटी ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा, राइट। और आपने एलएसटी ऑब्जेक्ट को कोई भी नेम ले सकते हो आप, प्रिंट करा दिया, देन आपने फाइल को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, प्रिंट क्या देंगे, द डेटा डेट वर स्टोर्ड इन फाइल आर, ओके। ये एक प्रिंट स्टेटमेंट हो दे दिया, डेटा जो आपका आएगा उससे पहले ही प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम सेव कर लेते हैं, इसको ले लो आप फाइल फोर, राइट। अब रन करेंगे प्रोग्राम को, रन, देखो द डेटा डेट वर स्टोर्ड इन फाइल आर, जो भी जो आपने राइट करवाया था डेटा वो आपके पास आ गया है, फाइन।
ओके तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट प्रोसेस था जिसमें आपने डेटा को राइट किया था इसको हम बोलते हैं पिकलिंग, और जहाँ पे आपने डेटा को रीड किया है उसको बोलते हैं हम अनपिकलिंग। जब डेटा राइट होता है तो ये ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद बाइनरी फाइल के अंदर क्या होता है, राइट होता है, और इसके लिए पिकल मॉड्यूल के डंप फंक्शन का यूज होता है डेटा को राइट करने के लिए, किस फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में। अगर आपको रीड करना है तो किस, अगेन वो अनपिकलिंग प्रोसेस होता है, रीड कैसे करते हो आप अपनी लैंग्वेज में ही रीड कर पाओगे, तो बाइनरी फॉर्म से डेटा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो कौन करता है, पिकल मॉड्यूल का लोड फंक्शन। फाइन ओके, अब एक प्रोग्राम हम और करके देखते हैं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम से पहले एक थोड़ा डेटा और इसके अंदर राइट करवा के देखते हैं। डिक्ट मैंने एक डिक्शनरी ले ली, ओके यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं हम, ईएमपी नंबर एम्प्लॉय नंबर, राइट इसका हमने ले लिया की, ले लिया एम्प्लॉय नंबर और वैल्यू ले ली 101, राइट एंड देन आपने ले लिया नेम की, ओके एंड वैल्यू ले ली आपने रीमा, ओके एंड देन आप ले लो एज, एज राइट, वैल्यू ले लो आप 25। यहाँ पे हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं, ओके अभी हमने लिस्ट को राइट कराया था, अब हम क्या करेंगे डिक्शनरी को भी इस सेम प्रोग्राम के अंदर राइट कराएंगे, ओके फाइन। यहाँ पे हमने डिक्शनरी ले ली, अब क्या करना है उसको राइट कराना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पिकल डॉट डम्प, डम्प के अंदर आपको क्या पास कराना है डिक्ट, क्योंकि आप डिक्शनरी को राइट करा रहे हो, ओके और फाइल हैंडल राइट, राइट का प्रोसेस आपने यहाँ कर दिया। अब हम इसको रीड भी करेंगे, रीड करेंगे तो आप यहाँ पे ले लो, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल ले लिया डीसीटी, कोई भी वेरिएबल ले लो ऑब्जेक्ट वेरिएबल, ठीक है फिर हमने क्या लिया इसको हम रीड कराएंगे पिकल डॉट लोड, और यहाँ पे आप ले लो फाइल हैंडल फाइन। अब जैसे आपने प्रिंट को प्रिंट कराया था लिस्ट को, वैसे ही हम प्रिंट करा देंगे डेटा को, ठीक है इस स्टेटमेंट से डेटा राइट हो गया, ओके इस स्टेटमेंट से डेटा आपका रीड हो गया। अब आपको जो डेटा रीड हुआ है उसको प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आप इसको प्रिंट करा दो राइट, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया, नाउ वी विल रन इट। अब देखो द डेटा डेट वाज स्टोर्ड इन द फाइल, अब जो आपने पहले फर्स्ट लिस्ट दी थी देन सेकंड आपने डिक्शनरी दी थी, ये आपके पास रीड होके आ गई है फाइन। अब एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसपे हम यूजर से डेटा एंटर कराएंगे, ओके देन उसको बाइनरी फाइल के अंदर राइट कराएंगे एंड देन रीड कराएंगे, ओके तो सबसे पहले हमने कर दिया इम्पोर्ट पिकल, जो बहुत ही जरूरी है, ओके यहाँ पे हम एक कमेंट ले लेते हैं राइटिंग डेटा, राइटिंग डेटा ऑन फाइल, ओके पहले राइटिंग प्रोसेस करेंगे, फाइल हैंडल से आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे राइट तो मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया अपनी फाइल का नाम माई बाइनरी डॉट डेट, ये डेटा फाइल है जो किस फॉर्म में डेटा को स्टोर करती है, बाइनरी फॉर्म में। तो यहाँ पे आप डेटा को राइट करना है तो आप क्या किस मोड में ओपन करोगे, राइट मोड में ओपन करोगे बाइनरी फाइल को, ओके ओके। नाउ हम इसके अंदर आप राइट आप क्या करेंगे, हमें क्या करना है यूजर से डेटा लेना है, तो एक मैं यहाँ पे कमेंट डालती हूँ गेट डेटा टू राइट ऑन टू द फाइल, ठीक है हमें डेटा लेना है किस लिए, फाइल में राइट कराने के लिए, ओके वेरिएबल या आंसर उसमें हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू यस से वाई से, ओके और जब तक आपका ये क्या रहता है आंसर इस वेरिएबल में, आप जब तक कौन सी वैल्यू रहती है वाई, ओके तब तक आप क्या इनपुट कराओगे यूजर से, रोल नंबर
int input, क्योंकि इसको हमें क्या इंटीजर है तो इसको हमें इन फंक्शन से कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में. ओके एंटर रोल नंबर. फाइन, अब हम क्या एंटर कराएंगे, नेम इनपुट. ये ऑलरेडी स्ट्रिंग में है तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. इनपुट फंक्शन किस फॉर्म में डेटा को रीड करता है, लेता है, किस फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में. तो अगर आप इंटीजर वैल्यू दे रहे हो तो आपको उसको कन्वर्ट कराना होता है फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर बाय यूजिंग द इंट फंक्शन. ओके, अब यहाँ पे हम लेते हैं मार्क्स. तो मार्क्स को आप फ्लोट में करवा सकते हो क्योंकि डेसिमल में भी आप नंबर्स देते हो, ठीक है. फ्रैक्शंस में भी होते हैं जैसे 2.5, 4.5 इनपुट. एंटर मास. फाइन, अब आपने क्या किया, यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया जिससे डेटा क्या होगा, यूजर एंटर करेगा. अब हम क्या करते हैं, इस डेटा को हम करा लेते हैं. अभी हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करनी थी, एक डिक्शनरी क्रिएट करनी थी. फाइन, एम्प्टी डिक्शनरी, जिससे कि हम उसके अंदर डेटा को स्टोर कर सके. तो हमारे पास एक एम्प्टी डिक्शनरी है स्टोर नेम की. ओके, जिसके अंदर आप, अब यहाँ पे हम जो भी डेटा यूजर से रीड करा रहे हैं वो हम इस डिक्शनरी के अंदर स्टोर कर देंगे. फाइन, तो यहाँ पे एड रीड डेटा इनटू डिक्शनरी. ओके, हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी है स्टू नेम की. ओके, अब यहाँ पे स्टू के आप फर्स्ट जो आपकी लोगे रोल नंबर, उसकी क्या वैल्यू क्या दोगे, जो आप यहाँ पे यूजर से एंटर करा रहे हो वो वैल्यू. ओके, देन सेकेंड की इसकी क्या है, नेम, राइट. उसमें कौन सा डेट, उसमें क्या स्टोर होगा, नेम जो आप यूजर से एंटर करा रहे हो, ये नेम. फाइन, देन आपका टू मार्क्स, मार्क्स की के अंदर आपका मार्क्स एंटर करा दो. फाइन, अब यहाँ पे इतने प्रोसेस में क्या हुआ है, हमने यूजर से डेटा को एंटर कराया और जो भी एंटर हो रहा है वो कहाँ पे हमने स्टोर करा दिया, एम्प्टी जो हमारी फाइल थी उसमें हमने स्टोर करा दिया. अब जो हमारा डेटा आया है उसे हमें क्या करना है, फाइल के अंदर राइट करना है. जो हमारी कौन सी फाइल है, माई बाइनरी डॉट डेट. ओके, तो इसको हम राइट करेंगे नाउ. एक कमेंट ले लेते हैं, राइट इनटू दी फाइल, राइट इनटू दी फाइल. ओके ओके, तो आप राइट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हो, पिकल मॉड्यूल का डम फंक्शन. तो यहाँ पे हम डम फंक्शन का यूज करेंगे. डम फंक्शन के अंदर आप डिक्शनरी को पास कर दोगे, पाइथन ऑब्जेक्ट है डिक्शनरी, ठीक है, और आप फाइल हैंडल को पास करोगे, राइट. अब यहाँ पे आप ले लो आंसर जो हमने वेरिएबल दिया था इनपुट, क्योंकि वो तो क्या होगा, यस होगा तो डेटा लेता ही रहेगा, पर यहाँ कहीं ना कहीं तो हमें ब्रेक लगानी है. वॉन्ट टू एंटर मोर रिकॉर्ड्स. फाइन, तो यहाँ पे आप लोग यस और नो. जब तक वाई एंटर है तब तक वो डेटा लेता रहेगा, जब तक आप वाई एंटर करोगे तब तक वो डेटा लेता रहेगा. तो जहां पे आपने एन या कोई भी डिफरेंट वो लेते हो तो वो क्या होगा, उसको एंट्री करनी बंद कर देगा. तो यहाँ पे हम लेंगे नो, ठीक है. तो ये देखो एप डॉट क्लोज, यहाँ पे जो ये आपने ये जो प्रोसेस किया है उससे आपका डेटा क्या होगा, राइट होगा. फाइन, अब हमें क्या करना है, रीड करना है. ओके, डेटा को रीड करना है. तो रीड करने के लिए आप क्या करते हैं, हम इसको
लोड फंक्शन का यूज करके जो भी डेटा आप राइट करोगे उसको रीड करेंगे. फाइन, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ कमेंट रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल. ओके, रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल. फाइन, नो. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को रीड करके एक एम्प्टी डिक्शनरी के अंदर आप स्टोर करोगे जो भी डेटा आप रीड करोगे. तो मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी डिक्शनरी ले ली है S2. ओके, जो ये आपने इस फाइल में डेटा को रीड करा है mybinary.dat. अब आपको इसी फाइल से डेटा को रीड कराना है तो वो कहाँ पे जाके उस डेटा को कहाँ रीड कराऊंगी, मैं एक और एम्प्टी डिक्शनरी, इसलिए मैंने होल्ड उस डेटा को होल्ड करने के लिए बना लिया. ठीक है, अब हमें फाइल को ओपन करना है किस मोड में, तो मैंने ये फाइल हैंडल ले लिया फिन नेम से. ओके, और ओपन करना है, ओपन करना है आपको अपनी फाइल को. तो मैंने यहाँ पे मेरी फाइल का नेम है mybinary.dat. ओके, और मैं इसको किस मोड में, रीड मोड में इसको अब ओपन करूंगी क्योंकि अब मुझे डेटा रीड कराना है. ओके, नाउ अब यहाँ पे जो मैं कोड लिखूंगी वो ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूंगी, राइट, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए. अब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम जब डेटा रीड कराते हैं बाइनरी फाइल से तब हम उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग तब करना होता है. क्यों करना होता है, क्योंकि क्या होता है, जो पिकल का लोड फंक्शन है वो क्या करता है, वो एंड ऑफ फाइल एरर रेज करता है. ओके, जब आप एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाते हो रीड करते हुए तब क्या होता है, वो एंड ऑफ फाइल एरर को रेज करता है. तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हम इसमें ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करेंगे. ओके, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ अपना ट्राई ब्लॉक. ट्राई ब्लॉक के अंदर करेंगे प्रिंट फाइल, कुछ भी आप दे दे प्रिंट, मैं यहाँ पे देती हूँ डेटा रीड फ्रॉम फाइल इज, और आप ये भी लिख सकते थे डेटा इज, मतलब जो भी रीड कर चुके हो इज. ये मैंने वैसे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दी. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लूप लगाएंगे क्योंकि हमें डेटा को रीड करना है. While true, मैंने क्या दिया है, while true. While true का क्या है, यहाँ पे it will become false upon end of file. जो ये true की value है, right? वो false कब होगी, जब end of file तक वो पहुंच जाएगा. Data read करते करते कहाँ पे पहुंच जाएगा, end of file. Otherwise ये true रहेगी. ठीक है, तो मैंने while true दिया है कि जब तक file true रहेगी तब तक data read होता रहेगा. और ये false कब होगा, जब ये पहुंच जाएगा end of file. ओके, while true. ओके, अब हम जब तक true है तब तक, जो हमने अब यहाँ पे देखो S2 हमने empty dictionary ली थी. ओके, तो S2 के अंदर क्या स्टोर हो जाए, पिकल डॉट लोड. ओके, और इसमें हम कर देंगे फाइल हैंडल को पास. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रीड रिकॉर्ड इन टू डिक्शनरी फ्रॉम फिन फाइल हैंडल. अब यहाँ पे जो हमारा फाइल हैंडल है इसका, ये जो हमारी माई बाइनरी डॉट फाइल है, डॉट डेट फाइल है, वो किससे कनेक्टेड है, वो फिन से. फिन इसका क्या है, फाइल हैंडल, इससे कनेक्टेड है. तो यहाँ पे पिकल डॉट लोड फंक्शन के अंदर आपने इस फाइल को पास किया, इस फाइल के हैंडल को पास किया, तो लोड फंक्शन क्या करेगा, डेटा को रीड करेगा, और रीड करने के बाद उसको कहाँ जाके स्टोर कर देगा, S2 ऑब्जेक्ट के अंदर. जो S2 आपने डिक्शनरी क्रिएट की थी एम्प्टी, वहां पे जाके जो भी डेटा रीड होगा वो यहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा. फाइन, डेटा स्टोर हो गया है, अब हम उसे प्रिंट करा देते हैं. प्रिंट S2, डेटा को प्रिंट करा दिया. ओके, राइट, अब आपका क्या करेंगे, अब हम, हमारा प्रोसेस पूरा हो गया है तो हम अब ले लेंगे एक्सेप्ट ब्लॉक. यहाँ पे आप लिख भी सकते हो क्योंकि ये कौन सा एरर क्रिएट करता है, एंड ऑफ फाइल एरर. ठीक है, जो आपका लोड फंक्शन है वो एंड ऑफ फाइल एरर
रेस करता है जब कहाँ पे पहुंच जाता है, एंड ऑफ फाइल. तो मैंने इसका नेम भी दे दिया एंड ऑफ फाइल, और इसके अंदर सिंपली हम दे देते हैं फिन डॉट क्लोज फाइल हैंडल. फाइन, ओके. तो ये हमारा क्या है, रीडिंग के लिए. ओके, अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे. सेव कर लो आप इसको. इसको मैंने कर दिया फाइल फाइल के नेम से, राइट. अब हम इसको रन कर देते हैं, रन मॉड्यूल. रोल नंबर, रोल नंबर हमारा 1 है. नेम, नेम आप दे दो, नेम दे दो आप इसके अंदर, आप इसके अंदर देते नेहा, मार्क्स 78. यस, और रिकॉर्ड्स ले लेते हैं. आपने नंबर दे दिया 2, नेम ले लिया रोहन, और मार्क्स ले लिया आपने 67. यस, और रिकॉर्ड हम इसमें स्टोर कर देते हैं. नेम आपका हो गया 5, सॉरी रोल नंबर आपका हो गया 3, ठीक है. नेम आपने ले लिया अमित, ओके. एंड ये ले लिया आपने 89. और रिकॉर्ड आपको करने हैं, अब नो कर देते हैं, राइट. तो देखो आपका ये प्रोसेस क्या था पूरा आपका, जब आप डेटा को राइट कर रहे, यूजर से लेकर डेटा को आपने राइट किया. अब यहाँ पे देखो, डेटा रीड फ्रॉम फाइल इज, ये आपका यहाँ पे रीड होके आ गया. ओके, जो भी आपने डेटा एंटर किया था हमने कहाँ स्टोर कराया था, डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर कराया था, एक एम्प्टी डिक्शनरी में. तो ये देखो आपका डेटा जो भी आपने यहाँ पे रीड कराया वो डिक्शनरी की फॉर्म में स्टोर होके आ गया आपके पास. एक बार मैं फिर से इसको समझा देती हूँ. सबसे पहले आपने पिकल मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, फिर आपने क्या किया, आपको डेटा राइट करना है बाइनरी फाइल में. ओके, तो हमने ऑब्जेक्ट लिया यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट 2, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा यूजर से इनपुट करा रहे हैं, फिर उसको क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं. डंप मतलब उसको स्टोर कर रहे हैं बाइनरी फाइल में. फाइन, तो यहाँ पे ओके, तो आपने ये स्टेटमेंट दिया, बाइनरी फाइल ओपन की है, माई बाइनरी डॉट डेट किस फॉर्म में, बाइनरी सॉरी राइट मोड में. ओके, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया, और एक वेरिएबल लिया है आंसर ans, और उसको इनिशियलाइज किया आपने y से. तो जब तक लूप लगा लिया while आंसर इज कम्पेयर टू y, मीन्स यहाँ पे जो डबल इक्वल्स टू होता है वो कंपैरिजन के लिए होता है, कि जो वैल्यू आंसर के अंदर है क्या वो y है. यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो जब तक है तब तक ये आपका लूप चलता रहेगा और वैल्यू एंटर होती रहेगी. फाइन, आपने वैल्यूज जो भी एंटर करे थे वो कहाँ पे स्टोर करा दी, डिक्शनरीज में स्टोर करा दी यहाँ पे. ओके, देन आपने जो भी डेटा स्टोर हुआ है उसको कहाँ पे पास कर दिया, पिकल मॉड्यूल के डम फंक्शन के अंदर पास कर दिया, राइट. ये जो भी डिक्शनरी के अंदर डेटा स्टोर हुआ वो आपने डम फंक्शन के अंदर उसको एज अ ऑब्जेक्ट पास कर दिया. फाइन, तो क्या होगा, डम फंक्शन उसको राइट कर देगा बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फाइल के अंदर. ओके, एंड ये आपका फाइल हैंडल आपको पास करना होता है. यहाँ पे आपने यहाँ पे चॉइस दिया कि आपको और इनपुट कराना है या नहीं कराना है, ये आपका राइट. ऐसे आपने डेटा को राइट कर दिया और फाइल को क्लोज कर दिया, फिर आपने डेटा को रीड कराया है. रीड करते टाइम आपने डेटा को क्या किया है, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर आपने स्टेटमेंट दिया, क्योंकि यहाँ पे जो लोड फंक्शन होता है वो क्या रेज कर देता है, एंड ऑफ फाइल एरर रेज कर देता है जब एंड ऑफ फाइल आता है रीड करते हुए. ओके, सिंपल आपने फाइल को ओपन किया रीड मोड में. ओके, एंड देन आपने क्या किया है, तब तक आपकी फाइल चलेगी वाइल ट्रू ले लिया, और ये फॉल्स कब होगा, ट्रू जब आपका एंड ऑफ फाइल हो जाएगा. ओके, पिकल डॉट लोड फिन फाइल हैंडल को आपने इसमें पास कराया है, तो क्या करेगा, लोड फंक्शन उस पर्टिकुलर फाइल से डेटा को रीड करेगा और उसे कहाँ पास कर देगा, इस टू वेरिएबल के अंदर, जो कि एक आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है. फिर आपने डेटा को क्या किया है, प्रिंट करा दिया है, राइट. ये आपने एक्सेप्ट ब्लॉक में दे दिया कि किस टाइप की एरर आ सकती है. अब देखो यहाँ पे हमने राइट एंड रीड फंक्शन कर दिया. अगर आप क्या करना चाहते हो, डेटा को अपेंड करना चाहते हो, अपेंड मींस ज्वाइन, और डेटा ज्वाइन करना चाहते हो अपने फाइल के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो, फाइल को अपेंड मोड में ओपन कर सकते हो. तो यहाँ पे अपेंडिंग रिकॉर्ड्स इन अ बाइनरी फाइल, टू अपेंड रिकॉर्ड्स इन अ बाइनरी फाइल मेक श्योर टू ओपन द फाइल इन अपेंड मोड. अगर आपको डेटा को क्या करना है, अपेंड कराना है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड डेटा है उसमें आपको और डेटा उसमें राइट कराना है. ओके, तो क्या होगा, आपको उसको अपेंड मोड में ओपन करना पड़ेगा. अगर आप फाइल को दोबारा से ओपन करते हो तो क्या होगा, पुराना वाला डेटा डिलीट हो जाएगा और जो न्यू इंसर्ट करोगे सिर्फ वही आएगा. लेकिन आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि जो आपका प्रीवियस डेटा है वो भी रहे और न्यू डेटा भी एड हो जाए. तो किस फॉर्म में आप फाइल को ओपन करोगे, अपेंड मोड में.
A file opened in append mode will retain the previous records and append the new record written in the file. तो जो आप अगर append mode में फाइल को ओपन कर रहे हो तो प्रीवियस रिकॉर्ड को भी रिटेन करेगा और न्यू रिकॉर्ड भी आप उसमें राइट कर सकते हो. अदरवाइज अगर आप फाइल को अगेन राइट मोड में ओपन करोगे तो क्या होता है, ओवर राइट हो जाता है, प्रीवियस डेटा डिलीट हो जाता है, न्यू डेटा उसमें जाके स्टोर हो जाता है. ओके, एज यू राइट इन बाइनरी फाइल सेम वे यू राइट रिकॉर्ड्स व्हाइल अपेंडिंग यूजिंग द डंप फंक्शन. तो जब आप अपेंड कर रहे हो डेटा तो आप कैसे करोगे डेटा को राइट, सेम वे में डंप फंक्शन का यूज करके ही हम उसको राइट करेंगे. सिर्फ यहाँ पे हमें ओपन करते टाइम मोड चेंज करना है, अपेंड मोड रखना है और बाकी का प्रोसेस सारा सेम है. जैसे हम डेटा को राइट करते हैं वैसे ही अपेंड होगा. ओके, इसको प्रैक्टिकली मैं बताती हूँ. आप देखो इसी प्रोग्राम को, ये जो मेरा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है, मैं क्या करती हूँ इसको कॉपी करती हूँ. ठीक है, सिंपल. और मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करती हूँ. राइट, अब लेकिन मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, मैं फाइल को राइट मोड की जगह अपेंड मोड में ओपन करूंगी. अगर मैं इसको अगेन राइट मोड में ही ओपन करूंगी तो जो मेरा प्रीवियस डेटा है वो डिलीट हो जाएगा, न्यू डेटा जो अभी एंटर होगा सिर्फ वही आएगा. तो मैं यहाँ इसको अपेंड मोड में कर दूंगी. यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, फाइन, यहाँ पे लिख दिया ए और पूरा का पूरा एज इट इज सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने यहाँ पे, सिर्फ मैंने यहाँ पे मोड चेंज किया है. फाइन, तो अब जब मेरी माई बाइनरी फाइल ओपन होगी तो वो किस मोड में ओपन होगी, अपेंड मोड में ओपन होगी. अपेंड मोड में ओपन होने का मतलब क्या है, जो माई बाइनरी फाइल के अंदर जो प्रीवियस डेटा भी हमने स्टोर किया था वो भी रहेगा और जो न्यू डेटा हम डालेंगे वो भी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा. इसको सेव कर लेते हैं. इसको मैंने ले लिया फाइल 6. ओके, रन मॉड्यूल, इसको कैंसिल करते हैं, दोबारा से करते हैं, न्यू रन मॉड्यूल. राइट, आपका रोल नंबर आ गया. रोल नंबर हमने 3 तक लिया था तो हम 4 ले लेते हैं. 4, नेम ले लेते हैं यहाँ पे दीपा और मार्क्स ले लेते हैं 56. यस, एक और रिकॉर्ड इसके अंदर ऐड कर लेते हैं. 5 रिकॉर्ड हम इसमें कर लेते हैं. नेम ले लेते हैं हम इसके अंदर अनिशा एंड देन 90 marks. Yes, एक और रिकॉर्ड 6, मतलब 3 हमने पहले किए थे, 3 और 3 अभी कर लेते हैं. रोल नंबर 6, नेम पूजा एंड इसके मार्क्स हो गए 78. ओके, आप कर देते हैं नो. अब देखो यहाँ पे आपके 6 रिकॉर्ड आए हुए हैं. सी, देखो रोल नंबर 1, 2, 3 ये हमारे क्या थे, प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे. ओके, ये आपके प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे. फाइन, अब यहाँ पे आपके देखो 6 तक आया हुआ है आपका 6 तक आया हुआ है. यहाँ पे देखो 6 तक रिकॉर्ड आया हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ, अपेंड हुआ है. अगर आप इसको राइट मोड में ओपन करते तो क्या होता है, ये जो हमारे ये जो 3 रिकॉर्ड थे ये डिलीट हो जाते हैं और फिर बाकी ओनली यही 3 रिकॉर्ड आते. तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपेंड फंक्शन का अपेंड मोड में फाइल को ओपन करके डेटा को राइट करा दिया एंड रीड करा दिया. ओके ओके चिल्ड्रन, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.